हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये पोंचो बनाना सिखाऊंगी। मैंने 9-10 ईयर के लिए बनाया है और ये बहुत ही ईजी पैटर्न है। तो इसमें जो यार्न यूज़ हुई है वो 300 ग्राम यार्न यूज़ हुई है। इसका पैटर्न थोड़ा ऐसा ही है, इसमें ज़्यादा यार्न यूज़ हुई है। और देखिए, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी कम ज़्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये क्रोशिया 3.50 mm का लिया है और यार्न 4-ply है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 3-4-5 ईयर के लिए। तो यहाँ पर मैंने 90 चैंस लिए हैं। तो अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, गले का नाप लेना है। गला थोड़ा सा ढीला रखिएगा, ज़्यादा ढीला भी रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ओपन है। तो गले का नाप लेंगे और 4 × 6 बनानी है आपको। जो भी 4 के मल्टीपल हों उसमें 6+ और कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 चैंस बनाएंगे। 1, 2। अब देखिए, यहाँ से 1, 2, 3 स्टिच छोड़ेंगे और फोर्थ वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो फर्स्ट रो होगी उसमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहला दूसरा वीडियो ही देख रहे हैं या आपने एक ही वीडियो कोई देखा है और आपको चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप न्यू हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, तो आप देखिए मेरे पहले जो चैनल पे जाइए और पहले जो वीडियोस बनाए हुए हैं आप उनको देखिए। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हुई हैं और अगर आप उनको रेगुलर देखेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए जो क्रोशिया है वो बहुत ईजी हो जाएगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें बिगनर्स थे और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे वीडियोज़ देख के बनाए हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, देख के साथ साथ बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये क्रोशिया बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ से ये पूरे हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना देती हूँ। तो आप कोई भी साइज़ बना सकते हैं। इसमें जो मैं पैटर्न डाल रही हूँ, आप ज़रूरी नहीं आप यही पैटर्न डालें, आप कोई भी पैटर्न डाल के बना सकते हैं, जो कोई भी। बस आपको फ्रंट ओपन रखना है और उसके साथ में हमें कैप बनानी है। तो पहले ये मैं हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना लिया है। अब देखिए, चैन 2 बनाएंगे, 1, 2 और इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए, हम ट्रिपल क्रोशिया से आगे के सारे रो बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए धागे को 2 बार लपेटेंगे और देखिए, फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। चैन 2 हमारा स्टिच नहीं है, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास 4 स्टिच हैं। पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 स्टिच में से एक साथ निकालेंगे, फिर लास्ट के 2 में से एक निकालेंगे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया होगा। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 1 स्टिच छोड़ेंगे और जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर। अब देखिए, एक चैन बनाएंगे, 1 स्टिच छोड़ेंगे और जो नेक्स्ट वाला है उसमें सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये स्टिच छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर देखिए, चैन 1 बनाएंगे, 1 स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये स्टिच छोड़ा, 1, 2, 3 4। फिर देखिए, चैन 1 बनाएंगे, 1 स्टिच छोड़ेंगे, 1 में सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर से चैन 1 बनाएंगे
और जो नेक्स्ट वाला एक स्टिच छोड़ेंगे, एक में फोर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये वाली रो मैं पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये लास्ट तक बना ली। यहाँ पे हमारे पास थ्री स्टिच बचे हैं, चैन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था और ये 1 2 3। तो देखिए ये वाला स्टिच छोड़ेंगे और जो लास्ट दो स्टिच हैं इसमें 1 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने दो बनाए थे वैसे ही हमें ये दो बनाने हैं, 2। अब थर्ड रो बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 हमारा स्टिच नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, अब देखिए ये, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, धागा लपेटेंगे और देखिए ये जो स्टिच है ये बैक पोस्ट बनेंगे। पहले हम दो बनाएंगे, दो ट्रिपल क्रोशिया बैक पोस्ट बनाएंगे, 1, फिर नेक्स्ट वाला बनाएंगे 2, चैन 2 बनाएंगे 1 2 और फिर जो नेक्स्ट दो हैं इनको बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया ही बनाने हैं, 1 2। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कोई गैप नहीं देना है हमें, यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट वाले ट्रिपल क्रोशिया पे। ये देखिए ये सिंगल स्टिच के जस्ट बाद इन दो को पहले हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर देखिए चैन 2 बनाएंगे 1 2 और फिर जो नेक्स्ट दो हैं उनको ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। बैक पोस्ट ही बनाने हैं, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इस रो को मैं पूरा कर लूँगी। तो देखिए थर्ड वाली रो के एंड में आ गए हम, की जो लास्ट के देखिए लास्ट के दो डबल ट्रिपल क्रोशिया इन पे नॉर्मली ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 1 और ये जो लास्ट वाला है चैन 2 और फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया इन दोनों के बीच में स्टिच बना देंगे, 1 2 3। और फोर्थ वाली रो बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे, 1 2 इस तरफ पलट जाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 हमारा स्टिच नहीं है। सेकंड वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट रो ही हम वापस रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और ये देखिए ये जो ये दो ट्रिपल क्रोशिया के जस्ट बाद यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे हमें इसको सिंगल स्टिच से अटैच कर देना है। फिर से चैन वन बनाएंगे और ये जो नेक्स्ट वाला चैन 2 का स्पेस है इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये दो डबल क्रोशिया के जस्ट बाद यहाँ पे सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे। फिर चैन 1 बनाएंगे और यहाँ 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को ये देखिए ये वाली जो रो है ये हमने यहाँ बनाई है, तो ये 1 2 3 थर्ड वाली रो वापस रिपीट होगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी बैक साइड है और देखिए ये फ्रंट साइड है, तो इसकी फोर्थ वाली है, 1 2 3 4। और जो फिफ्थ वाली रो होगी वो सेम थर्ड की तरह ही बनाएंगे इसको,
तो इस दोनों को मैं बना लेती हूँ, इस वाली को और फिफ्थ वाली को, 1 2 3 4 फिफ्थ वाली रो को बना के फिर मैं वापस आती हूँ। तो देखिए ये फिफ्थ रो मैंने बना ली है, अब देखिए सिक्स वाली बनाएंगे, सॉरी 1 2 3 4 5 हाँ 2 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे। ये फर्स्ट दो स्टिच हैं इनमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ओह सॉरी नॉर्मल स्टिच बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया 1 2। अब देखिए यहाँ पे पहले हम 4 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, अब 6 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये वाली रो मैं पूरी कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे चैन 1 जोड़ने से पहले भी, स्टार्ट करने से पहले भी चैन 1 बनाना है और जोड़ने से पहले भी चैन 1 बनाना है। तो देखिए ये 7th वाली रो बनाएंगे, 6 वाली बना ली, फर्स्ट और लास्ट दो स्टिच हमें ऐसे ही बनाने हैं। चैन 2 बनाएंगे, इस तरफ पलट लेंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाले में बनाएंगे। अब देखिए पहले हम दो दो का सेट बना रहे थे यहाँ पे, अब 3 के सेट बनेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। चैन 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे इसी तरीके से, ये पूरी रो हमें इसी तरीके से बनानी है। तो देखिए ये 6 डबल क्रोशिया वाला जो पैटर्न है, हमें ये वाली जो दो रो हैं 6 और 7, ये हमें 13 रो तक रिपीट करनी है। 13 वाली रो हमारी ये वाली होगी, ठीक है। तो इसको मैं बना लेती हूँ, फिर उसके आगे हमें फिर इंक्रीज़ करना है। तो देखिए अब 14 वाली रो बनाएंगे, चैन टू बनाएंगे, 1 2 इस तरफ टर्न होंगे और देखिए फ्रंट दो ये जो स्टिच हैं इनको हमें हर बार ऐसे ही बनाना है, स्टार्टिंग में और लास्ट में। अब देखिए ये जो चैन 2 के स्पेस हैं, अब देखिए इसमें हम 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और यहाँ सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे और 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चैन 2 के स्पेस में, ठीक है। तो मैं इसको पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए 14 रो बना ली है और ये 15 वाली रो है, इसके हमने फ्रंट के ये जो दो स्टिच हैं इनको बना लिया, ठीक है। ये तो सेम ही बनने हैं स्टार्टिंग में लास्ट में। अब देखिए पहले हम 3 3 का सेट बनाए थे, अब 4 4 के सेट बनाएंगे, चैन 2 का स्पेस देंगे बीच में, ये 1 2
बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, 3 4 चैन 2 बनाएंगे और फिर जो नेक्स्ट 4 स्टिच हैं इनको बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर देखिए यहाँ पे भी इसी ही बनाएंगे, तो इसी रो को, ये 14 और 15 वाली रो को हम रिपीट करेंगे लास्ट तक। तो अगर आपको चाहिए कि आपको और घेर बन चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, वैसे इसमें ज़्यादा घेर होता नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप 10 10 स्टिच वाले भी रो रिपीट कर सकते हैं थोड़ा आगे चल के। ठीक है, तो पहले मैं ये पूरी रो बना लेती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपको मैंने कितनी बनाई है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 24 रो बना ली हैं टोटल, अगर आपको लेंथ और बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 25th वाली रो बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे आप। ठीक है, ये हमारी इस रो पे ख़त्म हुई है, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे, 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरीके से यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए यहाँ चैन 1 का स्पेस देते हुए हमने ये 8 जो डबल क्रोशिया उन पर हर एक पे स्टिच बना लिया। अब देखिए ये जो सिंगल स्टिच है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन का स्पेस नहीं दिया है हमने, ऐसे ही बनाया। अब देखिए नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब फिर यहाँ से चैन 1 का स्पेस देते हुए हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये फिर चैन 1 का स्पेस देंगे, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ किया है वैसे ही पूरे में बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट रो बनाएंगे, तो ये यहाँ पर हमने चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए चैन यहाँ नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे, ये फर्स्ट चैन 1 के स्पेस में चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 नेक्स्ट वाले में सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 नेक्स्ट वाले में, 1 2 3 हर चैन 1 के स्पेस में हमें ये सिंगल स्टिच से अटैच करना है, चैन 3 बनानी है, 1 2 3 यहाँ अटैच करेंगे, 1 2 3 यहाँ अटैच करेंगे, 1 2 3 अब देखिए लास्ट चैन 1 का स्पेस है ये इसका, देखिए यहाँ पे हम सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ चैन 1 का स्पेस नहीं है, देखिए यहाँ इसमें सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे, देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ अटैच करेंगे, फिर देखिए ये 2 सिंगल स्टिच हमने यहाँ बीच में बनाए हैं, एक सिंगल स्टिच देखिए यहाँ एक यहाँ, अब चैन 3 बनाएंगे और ये हर चैन 1 के स्पेस में एक एक सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से ये रो हम लास्ट तक बना लेंगे, लास्ट के जो 2 स्टिच होंगे उन पर 2 सिंगल स्टिच बनेंगे जैसे स्टार्ट में बनाए थे हमने। ठीक है, तो मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ इस रो को। तो देखिए ये लास्ट में यहाँ आ गए हैं और ये लास्ट के ये 2 सिंगल स्टिच हैं, इनको ऐसे ही बना देंगे, 2 स्टिच हैं जो लास्ट के, इनको सिंगल स्टिच ऐसे ही बना देंगे और ये जो धागा है इसको यहाँ से हटा देंगे, कैप बनाएंगे अब इसकी। तो देखिए अब कैप बनाएंगे यहाँ पे, ये जो यहाँ से हमने फर्स्ट वाले ये देखिए गले के ऊपर की तरफ है, यहाँ पे हमने चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे थोड़े स्टिच कम करेंगे कैप के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 90 स्टिच हैं, तो मैं हर 10th और 11th वाले स्टिच को हम एक कर देंगे, 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन, ये देखिए टेन और ये इलेवन, ये दो स्टिच को हम कम कर देंगे। फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे और हर नाइन्थ और टेंथ वाले, टेंथ और इलेवेंथ वाले स्टिच को कम कर देंगे। तो इसको मैं बना के लास्ट तक बना लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हमने घटा लिया, हर टेंथ और इलेवेंथ वाले स्टिच पे घटाया हमने, यहाँ पे लास्ट में जब बची टेन स्टिच आए, तो थोड़ा बहुत एक आध स्टिच कम ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ से लेके एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक, फिर वापस चैन वन बनाएंगे और टर्न करेंगे और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे। तो ये हमें जब तक बनानी है जब तक हमें जितनी कैप की ऊंचाई चाहिए उतनी हो नहीं जाती, ठीक है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर किस तरीके से सिलना है ये आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए ये कैप के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए 19 रो बना ली हैं और ये देखिए आपको लगे कि कैप काफ़ी चौड़ी ज़्यादा हो रही है तो आप यहाँ पे और भी स्टिच कम कर सकते हैं, जैसे मैंने फिर बाद में और भी स्टिच कम किए थे क्योंकि कैप काफ़ी चौड़ी हो रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे 19 रो बनाई है मैंने, आप अपने हिसाब से जितनी आपको बड़ी कैप चाहिए सबसे बना सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे इसको, ये देखिए ये पूरी ये हमारा इस तरीके से है कैप का ये हिस्सा, अब इसको इस तरीके से बराबर में रख देंगे और उल्टी तरफ से, ठीक है। ये हमारा फ्रंट है और ये उल्टी तरफ है। तो देखिए अब इसको यहाँ से सिल लेंगे, क्रोशिया से सिल रही हूँ, आप चाहें तो धागे से सिल सक सॉरी सुई से सिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में इसको इस तरीके से निकालेंगे, चैन वन बनाएंगे और मैं इस तरफ से, मुझे सीधा पड़ेगा, इस तरफ से सिल रही हूँ। अब देखिए आप चाहें तो सिंगल स्टिच से सिल सकते हैं सुई से, अगर आप क्रोशिया से सिलते हैं तो इजी ये रहता है कि अगर आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो एक धागा खींचे के और पूरा खुल जाएगा, और अगर आपने सुई से सिल दिया और फिर कुछ गलती हुई तो इसको ढूंढना सिलना खोलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर पहले जब तक परफेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो मैं क्रोशिया से ही सिल लेती हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेके हम बराबर में रख के एंड तक यहाँ तक सिल लेंगे। तो देखिए ये मैंने इसको यहाँ से सिल लिया है, अब इसको सीधा कर लूँगी। अब देखिए ये जो हमारी रो है इसको फिनिशिंग देने के लिए देखिए हम इस कोने से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और पूरे में एक सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। आप चाहें तो हाफ डबल क्रोशिया की भी बना सकते हैं, इससे क्या होगा कि ये जो इसके एजेस हैं इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। ये अभी थोड़े से रफ लग रहे हैं तो ये देखिए इस कॉर्नर से धागा जोड़ेंगे और पूरा कैप पे से बनाते हुए लास्ट तक हर एक स्टिच में एक एक बराबर पे, देखिए सिंगल स्टिच ही बना रही हूँ क्योंकि हमें बटन तो लगाने नहीं हैं, सिर्फ इस पर धागा बने। अगर आपको बटन लगाने हैं तो आप हाफ डबल क्रोशिया की रो भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे सिंगल स्टिच बनाते हुए पूरा कैप पे बनाते हुए यहाँ दूसरी तरफ तक, देखिए यहाँ तक सिंगल स्टिच बना लेंगे। आपको देखिए स्टिच इस तरीके से बनाने कि आपको लगे नहीं कि ये देखिए खींचना भी नहीं चाहिए और ढीला भी नहीं होना चाहिए, फैलना भी नहीं चाहिए। यहाँ से देखिए हर एक की देखिए यहाँ पर बनाएंगे स्टिच में इस तरफ, यहाँ नहीं बनाएंगे नहीं तो ये छेद जैसे बड़े दिखने लगेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्टिच में इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे सिंगल स्टिच बना लेंगे। तो मैं पूरे में बना लेती हूँ। तो देखिए अब इसकी डोरी बनाएंगे। तो ये देखिए जहाँ से ये कैप शुरू हो रही है वो देखिए जस्ट यहीं से, ये जो पोंचो की फर्स्ट रो हमने बनाई थी यहाँ पर इससे बना रही हूँ मैं ये डोरी बांधने की। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे
धागे को अटैच करके दोनों तरफ सेम ही तरीके से बनानी है। अगर आप चाहें तो इसमें पॉम पॉम लगा सकते हैं या कोई फ्लावर लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो धागे हैं इनको आप धाग स्टिचेस में सुई में डाल के और स्टिचेस में डाल दीजिए अच्छे से गांठ लगा के, तो ये कहीं दिखेंगे नहीं। फिर एक्स्ट्रा जो होगा उसको काट दीजिएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, चैन बना लेंगे। जितनी हमें बड़ी डोरी चाहिए उस हिसाब से चैन्स बना लेंगे। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने चैन बना ली है, जितनी आपको लंबी बनानी। अब देखिए फर्स्ट वाली जो चैन है इसको छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है यहाँ से हम हर एक चैन में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से ये देखिए डोरी मोटी हो जाएगी और इसको मैं बनाते हुए लास्ट तक आ जाती हूँ, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी डोरी वहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए ये हमने डोरी की लास्ट तक स्लिप स्टिच बना ली। थोड़ी सी डोरी लंबी रखिएगा क्योंकि जब हम स्लिप स्टिच बना के आएंगे तो ये डोरी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। वह अब देखिए यहीं पे ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये जो धागा है इसको यहाँ से काट देंगे। देखिए हमने धागा यहाँ से काट दिया। अब ये जो इसको इसमें से इस तरीके से ये निकाल देंगे तो ये हमारी डोरी यहाँ पे जुड़ जाएगी और ये जो धागे हैं आप इनको स्टिचेस में डाल दीजिए। तो ये मैं दूसरी तरफ भी डोरी बना लेती हूँ और इसको पूरा तैयार करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ ये बन के कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा बना लिया है और ये देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है। ये डोरी है, इसमें मैंने पॉम पॉम लगा दिए। तो ये देखिए ये जो कैप मैंने बनाई थी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे स्टिच कम किए थे। पहले हम हर टेंथ वाले स्टिच पे स्टिच कम कर रहे थे जब कैप स्टार्ट की थी फर्स्ट रो में, फिर मुझे कैप काफ़ी बड़ी लगी इसलिए मैंने हर फिफ्थ सिक्स वाले स्टिच को स्टिच कम किया है। तो इससे क्या कैप थोड़ी सी छोटी हो गई, बहुत बड़ी कैप हो रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।